हेलो एवरीवन, वेलकम टू लार्न विथ यस्मिन। आज के वीडियो में क्लास 11 और बायोलॉजी चैप्टर 16 रेशन द्रव्य और ईयर बर्जन मूत्र उत्पादन विषय जानी। मूत्र उत्पादन तीनटा स्तर माजेरे सम्पूर्ण है, ग्लोमेरुलासर परिस्रावण, पुनर्शोषण और क्षरण। इयारे आम ग्लोमेरुलासर परिस्रावणर विषय अलरेडी जानी। आज हम आम नम्बर टू जी पुनर्शोषण, जैक इंग्लिश री एब्जॉर्प्शन बुली कोआ होय। पुनर्शोषण की होय, पुनर्शोषणत जिमानखिनि तेज परिस्रावण होय, ग्लोमेरुलासर परिस्रावणत जिमानखिनि तेजर परिस्रावण होय, जिमानखिनि तेजर फिल्ट्रेशन होय, हे परिस्रुतर प्राय 99% की होय, आको पुनर्शोषण होय, 99% पुनर्शोषण होय, आरो बाकी जी 1% थाके, हे 1% मूत्र हिसाबे जाए। सो पुनर्शोषण किहर पुनर्शोषण है, किसुमान लागतियाल पदार्थ, किसुमान यूजफुल सबस्टेन्सर पुनर्शोषण है। किहर द्वारा पुनर्शोषण है, जीवर आच्छादक कला थाके, किडनीत जीवर आच्छादक कला थाके, हे आच्छादक कला समूह पुनर्शोषण करे। पुनर्शोषण किहर पुनर्शोषण है, पुनर्शोषण हुआर पिछत इयाक आको तेजलै पठियाइ दिया है। सो ग्लुकोजर पुनर्शोषण है, जदि ग्लुकोज फिल्टार हो परिस्रुतर लगत आहि जाय तेनेहले हे ग्लुकोजर पुनर्शोषण है, सोडियमर पुनर्शोषण है, एमिनो एसिडर पुनर्शोषण है आरो पानीरो पुनर्शोषण है। सो एकेटा बस्तु होइसे जीवरक आच्छादक कलाय पुनर्शोषण करे आरो एकिनित 99% बस्तु थाके। आरो जीवर वेस्ट आसे, जीवर वेस्ट आसे जीवर तेजर परा फिल्टार करा हय। फिल्टार की करा हय, जेनेको आमि जानु यूरिया, तारपिछत यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जीवर आसे हेइ समूहक फिल्टार करा हय, सोडियम फिल्टार करा हय जीवर अतिरिक्त थाके, क्रिएटिन आसे, क्रिएटिनक फिल्टार करा हय। सो एबोरक फिल्टार करा हय आरो एबोर जीवर यूजफुल सबस्टेन्स आसे हेइ समूहक पुनर्शोषण करा हय। सो जेतिया पुनर्शोषण करा हय तेतिया इयाक सक्रिय परिवहन हय। सक्रिय परिवहन माने कि हय, सक्रिय परिवहनत शक्ति प्रयोग करि पेलाय कि करा हय, पुनर्शोषण करा हय। जदि शक्ति प्रयोग हय तेतिया हले ताक सक्रिय परिवहन बुलि कोआ हय, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बुलि कोआ हय। आरो जेतिया अलागतियाल पदार्थ समूह फिल्टार करा हय तेतिया तात निष्क्रिय परिवहन हय। निष्क्रिय परिवहन माने होइसे कि इयाते कोनो धरणर शक्ति व्यवहार नहय, शक्ति व्यवहार नहुआकय तेजर जेतिया परिस्रावण हय तेतिया ताक पेसिव बुलि कोआ हय, निष्क्रिय बुलि कोआ हय। सो इयाते जितु पानी आसे, पानीटोरो पुनर्शोषण निष्क्रिय परिवहनर द्वारा हय, पेसिव परिवहनर द्वारा हय, अर्थात इयार कारणेओ शक्ति व्यवहार करिबो नालागे। इ आश्रितिर जरियते हय, आश्रिति माने कि जेतिया कोनो एटा पदार्थ इयार उच्च घनत्वर परा निम्न घनत्व लै जाय तेतिया ताक आश्रिति बुलि कोआ हय। सो आश्रितिर जरियते उच्च घनत्वर परा पानी निम्न घनत्व इयात शक्ति प्रयोग करिबो नालागे। सेटुओ होइसे बेसिकली पुनर्शोषणर विषय। प्रतिदिने वृक्कनलीत उत्पन्न हुआ परिस्रुतर परिमाण किमान हय, 180 लिटार प्रतिदिन। जदि वृक्कटो कोनो धरणर रोग नाय, सुस्थ व्यक्तिर जदि वृक्क हय तेनेहले 180 लिटार पार डे परिस्रावण हय। देहर परा निष्कासन हुआ मूत्रर परिमाण होइसे 1.5 लिटार। तुलना करि साले देखा जाय जे परिस्रुतर प्राय 99% वृक्कनलीर परा शोषण करिबलगिया हय। सो 99% परिस्रुत आको शोषण हय आरु इयाके पुनर्शोषण बुलि कोआ हय, जेहेतु एबार परिस्रावण हय आरु तार पिछत इयार शोषण हय, हेकारणे इयाक पुनर्शोषण बुलि कोआ हय। नलीर विभिन्न अंशत थका आच्छादक कलार कोषबोर सक्रिय अथवा निष्क्रिय परिवहन प्रक्रियारे एइ पुनर्शोषण करे। सो जितु आमार वृक्कीय नली आसे, रिनेल टिब्यूल आसे, हे रिनेल टिब्यूलत एपिथेलियल सेल थाके, आच्छादक कला थाके, जीवर सक्रिय नाइबा निष्क्रिय प्रक्रियारे एइ शोषण प्रक्रिया संगठित करे। जेनेकुआ मय कैछो
किसुमान बस्तु आछे जेनेकुआ ग्लुकोज सोडियम एमिनो एसिड एइबोरक सक्रिय परिबहन हय शक्ति व्यवहार हय किन्तु पानी निष्क्रिय परिबहन प्रक्रियारे पुनर्भक्षण हय उदाहरण स्वरूपे परिश्रुत थका ग्लुकोज एमिनो एसिड आदिबोर सक्रिय परिबहन प्रक्रियारे पुनर्भक्षण हय पानीर पुनर्भक्षण नेफ्रनर प्रारम्भिक खण्डते निष्क्रिय परिबहन प्रक्रियारे हय सो नेफ्रनर प्रारम्भिक खण्डत जत फिल्ट्रेशन हय थाके ताते यार पुनर होखनो होय जाय आश्रितिर जरियते अर्थात जेतिया कोनो तरल पदार्थ उच्च घनत्वर परा निम्न घनत्व लय जाय तेतिया ताक आश्रिति बुली कोआ हय मूत्र उत्पादनर समयत वृक्कनलीर कोकबोरेओ हाइड्रोजेन आयन पटाशियम आयन एमोनिया आदि पदार्थ परिश्रुतलय खरण करे जाक नलीर खरण बुली कोआ हय सो नलीर खरण कि हय जेतिया मूत्र उत्पादनर समयत वृक्कनलिये किसुमान आयन एमोनिया एबोरक परिश्रुतलय खरण करे मूत्र उत्पादन प्रक्रियार एटा अति आवश्यकीय पर्याय किन्तु कियनो खरणे देहरखर एसिड खारक क्षमता आरु आयनीय क्षमता अटुट राखे सो एटु होइसे आमार 3 नम्बर स्टेप जेटु होइसे खरण जत कि हय आमार जेतु वृक्कीय नली आसे रिनेल टिबिउल आसे এইটোৱে কিছুমান বস্তু পৰিশ্ৰুত যিটো আছে ফিল্ট্ৰেট যিটো আছে সেইটোলৈকে নিহৰণ কৰে যেনেকুৱা হাইড্ৰজেন আয়ন পটাছিয়াম আয়ন আৰু ইয়াকে খৰণ বুলি কোৱা হয় আৰু মূত্ৰ উৎপাদনত ই এটা বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে কাৰণ দেহৰখৰ জীৱৰ এচিড খাৰকৰ যিটো ক্ষমতা আছে যিটো বেলেঞ্চ আছে সেইটো কি বজাই ৰাখে বেলেঞ্চটো কি বজাই ৰাখে ক্ষমতা অটুট ৰাখে গতিকে ইয়াৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আছে চ' আমাৰ 2 নম্বৰ ষ্টেপ যিটো আছিল সেইটো কমপ্লিট হ'ল 3 নম্বৰ ষ্টেপো কমপ্লিট হ'ল চ' আজি ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ